देखो अज 1984 दे कतलेआम नू जो जेनोसाइड होया सी 1984 दे विच सिखां दा दिल्ली दे विच ते हिंदुस्तान दे बहुत सारे शहरां दे विच उस दे अज 40 साल पूरे हो गए। 40वीं वरेगंढ है। हर साल दी तरह इस साल भी गुरद्वारा बंगला साहिब विखे परसों श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ किए गए सन। अज जिथे अखंड पाठ साहिब जी की समाप्ति हुई है उन्होंने शहीदों नू याद किया गया, उन्होंने श्रद्धा के फुल भेट किए गए। उत्थे नाल ही असी यह भी गुरु महाराज के चरणों च अरदास की आ कि जिहड़े दोषी हैं जिन्हां ने कतलेआम करवाया जिन्हां दा हथ सी इहदे विच उन्हां नू बनदियां सजावां जिहड़ियां उह दित्तियां जाण। जिहड़े केस चल रहे आ उन्हां दे नाल होर तेजी दे नाल होर सरगर्मी दे नाल असी उह केस लड़ांगे। जिहड़े जेलां दे अंदर है उन्हां नू उह जेलां दे अंदर रहिण, जिहड़े बाहर घूम रहे आ उह जेलां दे अंदर जाण, इह साडी कोशिश होएगी। अज असी इस गल दा भी जिहड़ा इत्थे फैसला लिया है कि 1984 दे हर एक केस नू बड़ी बरीकी दे नाल बड़ी सरगर्मी दे नाल जिहड़ा उह लड़िया जाएगा। यह बहुत वड्डा जिहड़ा घल्लूघारा सी जेनोसाइड सी जिहड़ा बड़ी सोची समझी साजिश दे तहत तत्कालीन उस समय की सरकार जिहड़ी सी उन्होंने किया, निशानदेहियां कर करके सिखां नू मारिया, सिखां दे गलां दे विच टायर पा पा के साड़िया, जिहदे विच सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, धर्मदास शास्त्री, एच के एल भगत, माकन, जिस तरह के कांग्रेस के वड्डे लीडर जिहड़े उहदे विच शामिल सी। मैं समझदा कि इस तरह का देश दे विच कदी इहो जिहा नहीं होया कि देश की सरकार देश की पुलिस का हथ होवे और एक मनोरिटी के उत्ते इस तरह का कतलेआम किया जाए। यह बड़े दुख की गल सी जिहड़ा कदी भी भुलाया नहीं जा सकता। 40 साल बाद आज भी गुरुद्वारा बंगला साहिब में 1984 के परिवारों के लिए वोट डाले गए हैं, अरदास की गई है, क्या कहेंगे? नवंबर 1984 दे विच होए सिख शहीदां दी याद दे विच 40वीं सालाना यादगार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आज बंगला साहब विखे अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए और इस मौके पर उन्होंने शहीदों नूं श्रद्धांजलि दिती गई और क्या गया कि जेडे लड़ाई असी 1984 दी लड़ रहे हैं और इस लड़ाई नूं तेजी करन वास्ते असी 13 तों लैके अज तक 19 दे विच असी जिहड़ा सैशन कोर्ट विच असी केस हार गए सीगे असी अपील फाइल कीती और 17 दिसंबर 2019 नूं हाई कोर्ट दी गीता मित्तल दी कोर्ट विचों असी इंसाफ लैण विच कामयाब होए आं और सज्जन कुमार नूं उत्थे जेल भेजा और अज तक वह जेल विच ही है, उम्र कैद दी सजा होई। उस दे नाल महिपालपुर केस दे विच दो बंदे सीगे, यशपाल सिंह एक होर, एक नूं उम्र कैद ते एक नूं फांसी दी सजा दित्ती गई, वह भी अज तक जेलां विच ने। उस दे बाद असी टाइटलर दे खिलाफ केस चलाया, उहदे विच भी असी कामयाब होए, उहदे खिलाफ चार्जशीट फाइल होई, हुण चार्ज भी फ्रेम हो गया, हुण उहदे खिलाफ ट्रायल चल रहा हैगा, उहदी भी कंटिन्यू चल रहा, उहदे विच भी सानू उम्मीद है कि हो जाएगा। जिते असी होर कोर्टां विच भी लो जिहड़े कांग्रेस ने वर्करां ने उत्ते कराया सीगा उन्हां दे विच खिलाफ केस चल रहे ने, ओ केसां विच भी बहुत जल्द सजा होएगी। जिते दिल्ली च असी कारवाई कर रहे हैं उत्ते कानपुर बुखारो उत्थे भी असी कोशिश कर रहे हैं और जिते असी इन्हां नूं सजा देण वास्ते कोशिश कर रहे हैं उत्थे असी रिहैबिलिटेशन दा भी काम कर रहे हैं। असी 2017 च असी हाई कोर्ट च केस पाया सीगा एक परिवार नूं नौकरी दित्ती जाए। 27 नवंबर 2019 नूं असी ओह केस जिते डीबी ने और डीबी तों ऑर्डर होया, उहदे विच असी 22 लोगां नूं सरकारी नौकरी दिवाउण च कामयाब हो गए और हुण लेटेस्ट ही असी LG साहब नूं मिलके असी 3-4 चीजां मनाउण च असी कामयाब हो गए और साडे नाल जिहड़ी मातावां भैणां गईआं सी और LG साहब खुद भावुक हो गए कि जिस घर दे विच 5-5, 6-6 आदमी शहीद किते जाण उन्हां दा कमाण वाला कोई ना होए, 2,500 पेंशन नाल गुजारा होएगा। अज दे समाने बहुत मुश्किल है, शुरू तो ही 2,500 पेंशन लाई, उन्हां दी 25,000 पेंशन होनी चाहीदी है और एक परिवार नूं नौकरी मिलनी चाहीदी। LG साहिब ने साइन करते ने, इस महीने दे विच 50 लोगां नूं नौकरी दे ज्वाइन होएगी और नाल ही 537 लोगां दी जिहड़ी एप्लीकेशन आईआं ने ओह वेरीफिकेशन वास्ते SDM वक् वक् कोर्टां च भेज दित्तियां गईआं ने, उहदे विच जल्दी कार्रवाई हो जाएगी और सानू उम्मीद है कि बहुत जल्दी इन्हां लोगां नूं न्याय मिलेगा और असी इस लड़ाई नूं हमेशा लड़दे रहांगे। असी अपने कातलां नूं ना भुलांगे, ना भुल सकदे हां, हमेशा असी याद रखदे हां और दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी वालों
1984 के पीड़ित परिवार के बच्चों की 80% फीस असी माफ कराई है और कोटा च असी लगातार लड़ रहे हैं। और कल दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी विचों रकाबगंज साहब शहीदां नूं श्रद्धांजलि देने समागम है, ओहदे विच वी बढ़ चढ़ हाजरी भरोगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।